दिल्ली पुलिस ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में चार्ज शीट दायर की है। बता दें कि इसी मामले में पिछले साल उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्लेट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के एक मामले में संपूरक आरोप पत्र दायर किया था। 50 से अधिक घर खरीदारों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्लेट बुक कराया था। परियोजना नहीं चल सकी। रुद्र विल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और एचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त तौर शुरू की गई। इस परियोजनाओं में कंपनी ने गंभीर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस सिलसिले में दोनों कंपनियों के खिलाफ लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का मामला 2016 में दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि परियोजनाओं के निर्माण योजना की मंजूरी की अवधि 6 जून 2013 को समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डिप्लेवर ने जून जुलाई 2014 तक लोगों से बिल्डर खरीदार अनुबंध करवाए और लोगों से 23 जून 2013 के बाद भी अनधिकृत रूप से पैसे बटोरते रहे। पुलिस का कहना है कि परिजनों के प्रस्तावित जमीन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बारे में निवेशकों को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। आरोप पत्र में गंभीर के अलावा कंपनी के मुकेश खुराना, गौतम मेहरा और बबीता खुराना का भी नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।